हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है बॉल। तो इस बॉल से हम खेलने नहीं वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके फुट में यानी कि आपकी एड़ियों से लेकर टो तक अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आप उसके लिए क्या दो एक्सरसाइज जो कि बहुत सिंपल है, चाहे वो ऑफिस में बैठकर आप करें या फिर घर पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो क्या है वो एक्सरसाइजेस, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए हम बॉल लेंगे, और ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है या फिर आपके टोज से लेकर जो एड़ी है आपकी वहाँ पर आपको दर्द रहता है, या आपके फुट में कोई भी अगर आपको पेन की समस्या है तो उसके लिए ये बॉल वाली एक्सरसाइज बहुत कारगर साबित होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बॉल को ज़मीन में रखेंगे। तो दोस्तों, आप बॉल कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो खिलौने वाली बॉल हो, कॉस्को की बॉल हो, टेनिस की बॉल हो, या फिर कोई भी आप पूल बॉल हो, आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूल बॉल का यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि बॉल थोड़ी सी हैवी होती है और आपको जब आप अपना पैर उस पर लगाएंगे तो वो थोड़ा आपको प्रेशर देगी। कोशिश कीजिए कि ज़मीन फिसलने वाली ना हो, गार्डन जैसी जगह पर या फिर मैट बिछाकर बॉल को रखें। अब उसके ऊपर आप अपना पैर जो है फुट रखें, ताकि वो जो फुट का हिस्सा है, जो गैप वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपकी बॉल अच्छे से ग्रिप पकड़ ले। उसके बाद आपको धीरे धीरे बॉल को मूव करते हुए आपकी एड़ी तक जाना है, उसके बाद धीरे धीरे मूव करते हुए पीछे लाकर टो तक लाना है। ऐसा कम से कम आपको 10 बार लेफ्ट साइड से रिपीट करना है। इसी चीज़ को आप 10 बार राइट साइड से रिपीट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जब आप बॉल से ऐसा कर रहे हैं तो आपके पैरों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको एक इचिंग सेंसेशन होगी, आपको लगेगा कि कुछ तो भी मुझे पैरों पर हलचल हो रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि बॉल से मुझे सूजन हो गई है या मुझे बहुत हार्डनेस आ गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी में पैर डालकर सोख लेना है और या फिर मॉइस्चराइजर का यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से आप पहली एक्सरसाइज को अपने फ्लैट फुट और पैर के नीचे जो हिस्से होते हैं उस पर जो दर्द होता है उसके लिए कारगर होगी। अब दोस्तों, जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें भी हम अपने पैरों की दर्द की बात कर रहे हैं तो उसी के लिए है। तो फिर से मैंने एक बॉल ली है, ये एक्सरसाइजेस जो हैं हम बॉल की मदद से कर रहे हैं। अब आपको इसको क्या करना है, बॉल को आपके घुटने के जो पिछला हिस्सा होता है उस पर दबा कर अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो आपको मैं बता देती हूँ ये एक्सरसाइज आपको क्यों करनी है। ये एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, हम सिर्फ चलते हैं, तो हमारे पैरों की जो मूवमेंट है, जो उसे उस तरीके से मुड़ना चाहिए, जो जॉइंट होता है, वो नहीं अच्छे से मुड़ पाता। और इसीलिए जब आप अचानक से ज़्यादा देर घुटने को मोड़ कर बैठते हैं तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो हम अपने घुटने को किस तरीके से आप ईज करें, रिलीफ दें, उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, कोई भी बॉल लेनी है और घुटने के जो पिछला हिस्सा होता है उसमें ये बॉल को टच करना है। आप अपने हाथ का यूज़ करें इसमें, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं बना पाएगी। और उसके बाद आपको पैर को मोड़ना है। आप अगर एक पैर से अपने आप को सहारा नहीं देख सकते, अगर एक पैर से आप अपना सहारा नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये एक्सरसाइज आप बैठ करके कर लें या फिर लेट करके भी इसे कर सकते हैं। मैं आपको खड़े होकर के दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको सेम लेफ्ट साइड के साथ करना है और यही सेम एक्सरसाइज आपको राइट साइड के साथ करना है। अब आप देखेंगे कि जब कंटिन्यू आप 30-30 टाइम्स अपने पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे कभी भी दिन भर में, तो आपको जो मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा सीढ़ी चढ़ने के लिए या फिर कि मेरे घुटनों में कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, वो आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। पैरों के दर्द के लिए ये दो एक्सरसाइज को फॉलो करें जो कि बेहद आसान है। घर पर, ऑफिस पर, कहीं पर भी आप ये कर सकते हैं और बातचीत करते हुए भी आप कर सकते हैं। तो ये आप दोहराइए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।